नमस्कार सरोकार मंच अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ अपने श्रोताओं के साथ आज पुनः मिल रहे हैं आदरणीय डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी से। चेतना उपाध्याय जी ने हमारे श्रृंखला आज के सवाल पर पहले जो एपिसोड किया था उसमें आपने चिंता व्यक्त की थी कि हमारी युवा पीढ़ी जो है हमारे घर परिवार संस्कार और सामाजिकता से अलग थलग जाती दिखाई दे रही है और ये बड़ी पीड़ा का प्रश्न है। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए चेतना जी फिर हमारे साथ हैं और उसी संदर्भ को पूर्ण करते हुए आज आपसे संवाद भी करेंगी, अपने विचार रखेंगी। तो आदरणीय चेतना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने श्रोताओं के साथ, आप अपनी बात कहें। जी धन्यवाद सर, आपने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया अपनी बात रखने का। और जहां से हम खत्म हुए थे वो बात यही थी, धर्म को लेकर थी कि हमारी आज की पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है, ऐसा हम सभी का मानना है। तो और मुझे ऐसे लगा कि हमें खुद को ही नहीं पता कि धर्म एक्चुअल में होता क्या है, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है और हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बार 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 लालायित होते जा रहे हैं कि हम कैसे भी करके युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़े। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं पर सफलता जो है वो हमें नहीं मिल पा रही। और उसके पीछे कारण मात्र इतना सा कि धर्म से जुड़ा जा सकता है, जुड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म धारण करने की चीज है, धारणा करने योग्य नहीं। और हम बार बार धारणा करने के लिए कह रहे हैं तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम कुछ ऐसी क्रियाएं करते जा रहे हैं, कुछ ऐसे आडंबरों से जुड़ते जा रहे हैं कि कैसे भी करके युवा पीढ़ी हमसे जुड़े। तो वो जो हमारे आडंबर हैं उनको युवा पीढ़ी ने धार्मिक पाखंड का नाम दे दिया। और जब उसने धार्मिक पाखंड कहा और फिर सहज ही वो खुद अधार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ मुड़ने लगी। अब मेरा मतलब ऐसा व्यक्तिगत सोचे कि वो धार्मिक से अधार्मिक होने के लिए मुड़ रही, उसमें कहीं ना कहीं हमारी यह भूमिका ये रही कि हम पकड़ के जोड़ना चाह रहे थे। अब ये क्या हुआ कि जो दो पीढ़ियों का जो अंतराल था ऐसे लगा ये तो और बढ़ गया, एक प्रतिद्वंदता सी हो गई कि हम कह रहे जोड़ना और उन्हें लगा आगे बढ़ना, ये तो आडंबर है। देखिए हमेशा से ऐसा होता आया है, पर अक्सर करके क्या होता था दो पीढ़ियों के बीच में जो तीसरी पीढ़ी होती है ना वो एक सेतु बंध का कार्य किया करती थी। आज हम दो पीढ़ियों के बाद तीसरी पीढ़ी ही नहीं है, वो गायब है। जब तीसरी पीढ़ी हमारे साथ नहीं है तो सेतु बंध बनेगा कौन, कैसे बनेगा? तो समस्या इसलिए आ रही है, यहां हमको विचार फिर करना पड़ेगा कि जो तीसरी पीढ़ी एक फेविकॉल की जोड़ की तरह से हम लोगों के बीच में रहा करना बहुत जरूरी है कि कुछ हम समझे कुछ वो समझे और मिलके हम एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि जो धर्म है वो कहता है धारण करो, है ना? तो हम धारण करें, दूसरे अपने आप धारण कर लेंगे। और इस प्रयास करने के चक्कर में ना हम खुद दिखावा भी कर रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और हम जो है ना टूटते जा रहे हैं, हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं दिखावा करने के चक्कर में। और ये जो हमारी पीढ़ी है एकदम से टूटी हुई सी महसूस होने लगी है, बिखरी हुई सी होने लगी है। अब हमें ऐसा नहीं लग पा रहा कि हमें उतना सामर्थ्य नहीं बच पा रहा है कि हम आगामी पीढ़ी को अपने आप से जोड़ सकें, इसलिए उनका मार्ग प्रशस्त कर सकें। हमें क्या करना होगा, थोड़ा रुकें, थोड़ा ठहरें और अपने आप को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं हमें बहुत अंतर आ गया है। और ये जो अंतर, ये जो दूरी है उसको हमको खुद को ही पाटना पड़ेगा, क्योंकि जो नवीन पीढ़ी है पाश्चात्य संस्कृति की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही है आगे, और वो जो है ना फिसलन भरा मार्ग है।
और आप लोगों ने बचपन में वो फिसल पट्टी जरूर फिसली होगी, आपको पता होगा कि फिसल पट्टी पे फिसलना कितना आनंददायक होता है। उस आनंद को याद करिए, यही हमारी नव पीढ़ी देख रही है कि फिसलने में जो आनंद है मिल रहा है वो पाश्चात्य संस्कृति के जो बढ़ रहा हुआ तो आनंद महसूस हो रहा है, इस वजह से वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि वो रुके तो इसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा सामर्थ्यवान बनाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है, क्योंकि एक ऊर्जावान पीढ़ी को रोकने हेतु हमारा खुद का जो शारीरिक मानसिक सामाजिक आत्मिक और आर्थिक स्वरूप में बलशाली होना सामर्थ्यवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ रोकने मात्र से काम नहीं चलेगा। रोकने से तो क्या होगा, ये जो ऊर्जावान पीढ़ी है उसकी जो ऊर्जा है वो उसको खुद को तहस नहस कर देगी। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का यदि सदुपयोग ना हो तो विध्वंस तुरंत ही शुरू हो जाया करता है, तो यदि हम रोकेंगे तो विध्वंस शुरू हो जाएगा और ऊर्जावान पीढ़ी अपनी ही ऊर्जा के कारण तहस नहस होगी। तो इसलिए रोकने के बाद हमको थोड़ा सा मार्ग भी प्रदर्शित करना होगा, दिशा बोध भी करवाना होगा। फिर यहाँ वो एक समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, क्या हम किसी को रोककर कहें उसको समझाए तो समझ लेगा हमारी बात, ये एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है और इसका उत्तर हाँ में देना सहज तो नहीं। हम इसके संबंध में बहुत तर्क दे देते हैं और अक्सर करके हम शिक्षक साथी तो कहते नहीं हम ऐसे समझा लेंगे और वैसे समझा लेंगे, पर एकदम से हाँ सुनना आसान नहीं होगा, कान तरस जाएंगे हाँ सुनने को, क्योंकि ये वास्तव में ना बहुत मुश्किल हो गया है। और कारण सिर्फ ये कि हम उसी को सुन और समझ पाते हैं कि जिसके प्रति हमारे भीतर सम्मानजनक भाव है। दूसरा यह कि जो हम कह रहे हैं वही हम कर भी रहे हो, मतलब कथनी और करनी बराबर हो। और दूसरी बात इसके साथ ये भी चीज आती है कि जो भी कुछ हम कह रहे हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो, उसके पीछे ठोस धरातल होना चाहिए। हम जो भी कुछ कहें वैज्ञानिक धरातल यदि सही नहीं है, तथ्य वैज्ञानिक नहीं है, तो बच्चे आज की जो पीढ़ी उसको इतना आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगी। हमको तो अब जोड़ना तो हमने सोच लिया तो हम खुद स्वयं अपने मन वचन और कर्म से खुद को खुद से जोड़ें और खुद के व्यक्तित्व को खुद के चरित्र को इस तरह से इतना तराशें कि हमारा व्यक्तित्व सम्मानजनक स्वरूप में परिभाषित हो स्वीकार्य। आज की जो युवा पीढ़ी है हमारे व्यक्तित्व को सम्मानजनक स्वरूप में नहीं देख रही, वो कह रही है पाखंडी लोग हैं, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट दिया इन्होंने, और वाकई में हम ये कुछ करने लगे हैं इसलिए हमारे प्रति जो सम्मान है वो भी खत्म हो गया है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा, सम्मानजनक स्थितियों के लिए स्वयं खुद को कार्य करना पड़ेगा। और एक और चीज है, हमको उदाहरणों के द्वारा भी समझाना होता है बताना होता है, तो कई बार क्या होता है कि अक्सर करके हम लोग उदाहरण देते हैं महाभारत काल के रामायण के, वो हमारे युवा पीढ़ी को इतनी आसानी से स्वीकार्य नहीं होंगे, क्योंकि हमें जो उदाहरण देने हैं बच्चों को वो समसामयिक हो, वर्तमान समय और परिस्थितियों वातावरण के अनुकूल हो, तभी वो स्वीकार्य होंगे, अन्यथा वो स्वीकार्य नहीं होंगे कि हमारी बात पुरातन पंथी कहकर हमारे बच्चे नकार दिया करते हैं। तो हम जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं वर्तमान धरातल पर कहें, हमारी कथनी और करनी समान रूप से हमारे बच्चों को हमारी पीढ़ी को दिखाई दे जाए, और जब ऐसा होगा तो हमारा व्यक्तित्व खुद बोल उठेगा, और जब व्यक्तित्व बिना कुछ कहे कुछ बोल उठेगा तब जाकर आगामी पीढ़ी हमें सुनने समझने का प्रयास कर पाएगी, और जब यह प्रयास स्वैच्छिक होगा तो स्वमेव ही सफलता की गुंजाइश 100% बन जाएगी। तो हमें ये प्रयास तो करना ही होगा कि यह स्वैच्छिक रूप से हमारी पीढ़ी हमारे तक आए। देखिए यहाँ युवा पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़ने में एक और बाधक तत्व जो मुझे नजर आता है वो है हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम।
देखिए हम वैसे सहज भाव से अपने मुख अभिव्यक्ति भी सहजता से कर जाते हैं, पर सामने वाला हमारी बात को समझे सही सही ठीक ठीक रूप में ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि सामने वाला जब समझता है तो उसकी अपनी जो क्षमता है, उसकी जो अपनी सूक्ष्म समझ है, उसके अपने जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हैं, वो भी उसके साथ जुड़े होते हैं, तो सही तौर पे वो हमें समझ नहीं पाता। यहाँ हमें क्या करना होता है, अपनी भाषा को माध्यम के रूप में लेना होता है और हम अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी एक भाषा को माध्यम के रूप में चुनते हैं। और देखिए ये कटु सत्य है कि प्रत्येक भाषा की अपनी संस्कृति हुआ करती है। हम अपनी संस्कृति की जननी संस्कृत को कहते हैं, और संस्कृत क्या है, भाषा ही तो है। अब जब वो भाषा है तो उसकी जो संस्कृति का जो प्रभाव है वो भी स्वाभाविक रूप में होता है। वैश्वीकरण के इस युग में आजादी प्राप्त हुए 76 वर्ष बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी आज भी अंग्रेजी का जो दबदबा यहाँ कायम है वो आप सभी जानते हैं। और आंचलिक भाषाएं या हिंदी भाषा जो है धीरे 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 पिछड़ रही है। अब जो भाषा पिछड़ रही तो भाषा की संस्कृति भी पिछड़ी, ये भी तो स्वाभाविक हो गया ना। अब हम उसके पीछे फिर तर्क देते हैं कि अंग्रेजी भाषा तो आज की जरूरत है, रोजगार का क्षेत्र हो, व्यापार हो, या ग्लोबलाइजेशन की दुनिया, वैश्वीकरण की दुनिया हो, हमारे बच्चों को प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है, अंग्रेजी तो बहुत जरूरी है। अरे भाई, जब हमने अंग्रेजी को अनिवार्य मान बैठे हम खुद, तो समाज में क्योंकि मान बैठे ना, तभी तो देखिए ना, आप विद्यालयों की दुर्दशा देख लीजिए। हिंदी भाषा के जो विद्यालय हैं वहां नामांकन की कितनी कमी है, और अंग्रेजी विद्यालय जो है, अंग्रेजी भाषा के जो विद्यालय हैं वहां नामांकन की लाइन लगी है। वहां पे संस्था प्रधान को या जो भी निदेशक हैं उनको रोकना पड़ता है कि संख्या ज्यादा हो गई और हिंदी माध्यम में विद्यार्थी बुलाने पड़ते हैं। तो ये जो दुर्दशा है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, और इसी वजह से हमारी जो संस्कृति है वो भी दुर्दशा का शिकार हो रही है, भाषा ही संस्कृति इन सबके पिछड़ेपन की वजह से। क्योंकि जब हम अंग्रेजी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी भाषा के साथ उस भाषा की जो संस्कृति है वो भी आने लगती है, और आज की तारीख में अंग्रेजी भाषा की संस्कृति अपने पैर चारों तरफ पसार चुकी है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वैश्वीकरण के इस युग में हमको प्रगति पथ पर बढ़ने हैं तो यदि अंग्रेजी भाषा को अभिव्यक्ति के रूप में अपनाना है तो इन सबको सहन करना होगा, और यदि हम वापस से संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस बिंदु पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा के अपने संस्कृति होती है, उसके साथ हम जुड़ ही जाते हैं। अभी मुझे आपसे नमस्कार करना है तो मेरे अपने आप हाथ जुड़ेंगे और गर्दन नीचे झुकेगी ही, और मैं कहते गुड मॉर्निंग तो कहीं मेरी गर्दन नहीं झुकी, मेरे में वो भाव आया ही नहीं जो मैं विनम्र भाव लाना चाहती थी, क्योंकि मुझे गुड मॉर्निंग बोलना था आपको, तो गुड मॉर्निंग में तो एक तेज है, वो सब है, पर विनम्रता वो चीज तो नहीं है। तो देखिए संस्कृति में वो चीज नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। अब इससे बचना ना देखो आज आसान तो नहीं है, क्योंकि कई बार हम बचने का प्रयास भी करते हैं, बोलते अंग्रेजी हैं, पढ़ते अंग्रेजी हैं, पढ़ाते अंग्रेजी हैं, और कोशिश करते हैं कि अपनी संस्कृति को भी बचा के रखें, तो क्या होता है हम कुछ आधे अधूरे से हो जाते हैं, और ये हमारा आधा अधूरा व्यक्तित्व जो है ना युवा पीढ़ी स्वीकार नहीं पाती, और जब वो स्वीकार ही नहीं पा रही हमारे व्यक्तित्व को तो हमारी सुनेगी कैसे, अपने आप फिर सांस्कृतिक चेतना जो है वो कटघरे में आ गई, और जो वर्तमान में सामाजिक स्थितियां हैं उनके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं, वो एक सशक्त उदाहरण है कि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है आज की स्थितियों में कटघरे में है। अब हम करें क्या, तो इस हेतु हमको अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है आंचलिक भाषा या मातृभाषा में ही दें, आगामी शिक्षा अपनी हिंदुस्तान की जो भाषा है अपनी हिंदी उसमें प्रदान करें। अब यदि हिंदुस्तानी संस्कृति को बचाना है तो शिक्षण का माध्यम हिंदुस्तानी
भाषा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृति का पिछड़ापन हमें दिखाई दे रहा है। अब अंग्रेजी से मुझे कोई दुराचार नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ अंग्रेजी ना सीख, देखिए अंग्रेजी सीखें, समझे, पर अंग्रेजी क्यों, और भी भाषाएं सीखें आप, तो हमारे बच्चों को पढ़ाई का जो माध्यम है वो तो हमारी अपनी भाषा हो, अंग्रेजी या फ्रांस की या जापान की कोई भी भाषाएं सीखनी है, पूरा खुला अवसर हो, ताकि हमारे बच्चे उन सभी भाषाओं को भी सीखें, समझें, उन्हें आत्मसात करें और जब जरूरत पड़े उनका हम प्रयोग करें। पर जो शिक्षा है वो हम अपनी भाषा में ही, और देखिए जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें भी यही सिफारिश की गई है, और आवश्यकता तो सिर्फ इसी बात की है कि हम इसको अमली जमा पहनाने के लिए आगे बढ़े और बगैर किंतु परंतु कामयाबी हासिल करें, क्योंकि समाज भी इतने किंतु परंतु लगा चुका है ना इस दिशा में कि वो स्वीकारना इतना आसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हम खुद समझे, स्वीकारना होगा हमें, और जब हम स्वीकारेंगे तभी इस बात को हम समझ पाएंगे और कामयाबी हासिल कर पाएंगे। हकीकत है धर्म को जाने बगैर धार्मिकता का जो निर्वाह करना है, आज जिस तरह से हम अपनी परंपराओं की रस्म अदायगी ना, बस सिर्फ ये रह जाता है, जो परंपराओं की रस्म अदायगी कर रहे हैं तो धर्म कहाँ रहा। एक छोटा सा उदाहरण ना मुझे अभी अचानक ध्यान आया कि हमारे परंपरा हुआ करती थी कि हम पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनता था, पर अभी हमारे बड़े शहरों में हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है कि दो रोटियां हम एक्स्ट्रा बनाएं, हम तो जब कोई खाता है तो चार रोटी बना लेते हैं दो। अब क्या हुआ, पुरानी पीढ़ी ने आकर रोक लगाई, अरे भाई ऐसा करो, ये हकीकत बता रही हूं मैं, किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि पहली रोटी खुद को तो नहीं खानी चाहिए, आप ऐसा करना आटे की लोई तोड़ना और उसको आपस से मिला देना आटे में और फिर रोटी बना के खा लेना। अब देखिए कहीं ना कहीं रूढ़िवादी पाखंडी तो था कि पहली रोटी खानी नहीं चाहिए, तो आप इस तरह से कर दो, और आप देख लीजिएगा अपने परिवारों में भी है कि अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालने के लिए तो समय नहीं है, क्यों बनाए, तब क्या करते हैं वो तवे पे बाद में थोड़ा सा आटा भुरक देते हैं, छोटी सी लोई छोड़ देते हैं और हम उसको मान लेते हैं कि अंतिम रोटी कुत्ते की होती है, हमें नहीं खानी। देखिए खा तो हम खुद ही रहे ना, उस परंपरा को कैसे हमने बदल दिया। और देखिए मैं आपके इसी समाज का हिस्सा हूं, ये मैंने देखा है परिवारों में इस परंपरा को, जो पुरानी पीढ़ी ने बचाने की कोशिश की अपनी इस परंपरा को, तो इस तरह से उसका दुर्गति हुई, और जो समझदार बच्चे थे उन्होंने कहा इससे क्या होगा, हटाओ इस परंपरा को अलग, तो जो हमारी सत्यता थी वो तो पीछे रह गई, ये आडंबर इसे नहीं मानना, हमारे बच्चे अपने आप ही दूर हो गए। तो हम इस उदाहरण से भी हमें समझे कि हम इस तरीके से प्रयास करें कि हम उसको जोड़ पाए, हम धार्मिक ग्रंथों से खुद ही दूर हो गए, हम खुद उनको समझें। फिर उसके बाद बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं उनको संबंधित जिज्ञासाएं जो उनको पैदा हो रही हैं विद्यार्थी जीवन काल में, उनका समाधान करने का हौसला साथ रख पाए, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो विचार आ रहा है वो यही कि जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं वही बालकों को, जो विद्यार्थी जीवन काल है वही प्रारंभिक कक्षाओं में रामायण महाभारत का शुरुआती तौर पाठ्यक्रम के तौर पे शामिल हो, माध्यमिक कक्षाओं में आते आते चारों वेदों के अंश शामिल हो, उच्च माध्यमिक स्तर पर गीता अध्ययन भी शामिल हो, उसको अवसर मिले पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ने का, क्योंकि आज क्या है हमारा बच्चा सिर्फ वो पढ़ रहा है जो उसके पाठ्यक्रम में है, क्यों, क्योंकि वो अंकों की दौड़ में आगे दौड़ रहा है, उसे तो प्रथम स्थान प्राप्त करना है, तो इस वजह से इन सब चीजों को पढ़ने के लिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब जब वो ये सब चीजें पढ़ेंगे समझेंगे तो हम अपनी जो संस्कृति है उसके मूल भाव को भी समझना थोड़ा आसान हो पाएगा और वो उसको समझ पाएंगे, और जब वो इसको समझ पाएंगे तब जाके हमारी आगामी पीढ़ी जो है धर्म संस्कृति और समाज से जुड़ी रह पाएगी। सांस्कृतिक मर्यादाएं जो हैं हमारी उनमें कुछ खूबियां देख पाएगी,
देखिए यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज जो हमारी सांस्कृतिक मर्यादाएं हैं उनमें हमारी पीढ़ी सिर्फ खामियां देख रही है, सिर्फ कमजोरी देख रही है कि इसमें ये कमजोरी है, वो कमजोरी, वो देखो अंग्रेज कितने आगे बढ़ गए, वो देखो वो कितने आगे बढ़ गए, हम पीछे हैं क्योंकि हम आडंबरों से जुड़े हुए हैं और हम एक के बाद एक कमजोरियां ही ढूंढ रहे हैं। तो जब वो उत्साह उन्हें मिलेगा, वो अपनी संस्कृति को पाठ्यक्रम के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से ठीक से समझेंगे, तब वो इन खूबियों को समझना शुरू करेंगे और ये खामियों को ढूंढना, कमजोरियों को ढूंढना थोड़ा सा कम करेंगे। और जब कमजोरियों को ढूंढना थोड़ा सा कम होगा तो हमारी जो नवीन पीढ़ी है उसमें एक सांस्कृतिक ठहराव आएगा। और ये सांस्कृतिक जो ठहराव है, वो जो तीव्र गति से अस्ताचल की तरफ दौड़ रहे थे ना, उसकी गति में थोड़ी सी कमी आएगी। उस गति में जब थोड़ी सी कमी आएगी तो हमें लगेगा कि हाँ, अब देखिए चलना है तो आगे ही चलना है, यदि ठहराव आया तो जो जिस तेजी से सूर्यास्त होता है ना, उस तेजी से उतनी तेजी से नहीं होगा। मतलब जो दोपहर का नहीं होता, 12 बजे का सूर्य कितना धीरे धीरे बढ़ता है आगे, तो ठीक वैसा हमारी पीढ़ी के साथ भी होगा कि बढ़ना तो है, बढ़ेगी तो सही, पर थोड़ा सा ठहराव होगा और हम जो आज अपने आप को डरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, उस ठहराव की बदौलत उतना डरे हुए नहीं अपने आप को महसूस कर पाएंगे। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, नई आशाओं का नया सवेरा प्रकट होता स्वमेव ही नजर आने लगेगा। और हमारी जो पीढ़ी जो हमें लग रहा है कि बहुत तेजी से संस्कृति से दूर हो रही है, अपने आप ही जुड़ने लगेगी। तो आज जो मैंने बात कही भाषा की, मुझे लगता है इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे परिवारों के अधिकतम बच्चे अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ना चाह रहे हैं और हम जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाह रहे हैं, तो समस्या वहां से उठी है, हमें उसको समझना पड़ेगा। तो मैं आज यही विराम देती हूँ, नमस्कार। बहुत अर्थपूर्ण बात की है आपने और इसमें वैज्ञानिकता के साथ भी सहजता का प्रवाह है, दोनों बातें बहुत अच्छी कही है आपने। और धन्यवाद, उम्मीद है कि अपने प्रबुद्ध श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा।